अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस और बेल आइकन का बटन दबाना प्लीज़ ना भूलिएगा। मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस वक्त मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए सैंडविचेस बनाए थे और साथ में मैंने राइस लिए थे थोड़े से सालन के साथ, और साथ में मैंने अपने लिए ऑरेंजेस और थोड़ी सी मीठी चटनी पड़ी हुई थी। मैंने कहा यही सैंडविचेस के साथ खा लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कैचअप नहीं हम लोग खाते ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा यही खाते हैं। तो इस वक्त मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी, साथ में टीवी देखूँगी। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ है ना, पहले सुबह बहुत तेज़ धूप थी जब मैं सोकर उठी थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया। वैसे ही आपको रोशनी की वजह से लग रहा होगा कि इतना ऐसा मौसम है, लेकिन ऐसा मौसम नहीं है। धूप नहीं निकली हुई और ठंडी हवा आ रही है और मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ कर नाश्ता करने का। चले फिर मैं अब अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी और आपसे मिलूँगी बाद में। अल्लाह हाफिज़। और इब्राहिम के पापा उसके लिए एग लेकर आए थे, तो मैंने उठाकर सबसे ऊपर वाले हिस्से में रख दिया। वो बहुत जोर ज़बरदस्ती कर रहा है उतारने के लिए। नहीं लेना, ओके जंपिंग करो ऊपर को छलांग लगा। ओके मामा। नो मामा, नो एग। ओह माय गॉड। और आज हम डिनर में खाने लगे हैं ये यम्मी सा पिज्जा, क्योंकि दोपहर में हमने बनाया था बीफ का कीमा, जो कि मैं और मेरी बहन बिल्कुल नहीं खाते। तो हमने सोचा कि दोपहर में तो गुजारा हमने इधर उधर से खा कर कर लिया है, तो इस वक्त हम लोग पिज़्ज़ा बनाकर खाएंगे। तो ये यम्मी सा पिज़्ज़ा अवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा तो पूरा घर ही पिज़्ज़ा खाएगा, तो एक पिज़्ज़ा कम पड़ जाएगा हम सबके लिए। तो इसलिए एक पिज़्ज़ा तो ये बन रहा है और एक इसके बाद हम बनाएंगे जो कि इधर पड़ा है। अभी इसके ऊपर की डेकोरेशन बाकी है, वो हम बाद में करेंगे, पहले एक वाले को ओवन कर लें। और हमारा एक पिज़्ज़ा रेडी हो गया है यम्मी सा, और दूसरा ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब तक ये पकेगा तब तक हम ये खा चुके होंगे। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया हुआ था, सुबह से काम 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 में बिज़ी थे हम लोग। शाम को हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए आए थे सेंटर, तो सेंटर में इतनी रौनक लगी हुई थी। और यहाँ पर ये आदमी गाना गाने के लिए आया था, एक स्पीकर लिया हुआ था इसने और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ में ये गाना गा रहा था। सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, इतना रश लग गया था। आहिस्ता आहिस्ता लोग आकर खड़ा होना शुरू हो गए थे और इन्जॉय कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जो डांस भी करने लगे हुए थे, इतना अच्छा वो गाना गा रहा था। और आई थिंक फेमस गाना ही होगा स्पेनिश का, जो इतना लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैं तो वैसे स्पेनिश गाने सुनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था उसका म्यूज़िक और वो जो गा रहा था वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे सेंटर में एक आदमी है, ये वाला जो कारो लेकर आता है उसमें बलून्स होते हैं, कागज़ के जहाज बने हुए होते हैं, जो वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर आपका दिल करता है तो उसे बेशक पैसे दे दें, और अगर नहीं दिल करता तो ना दें, वो मांगता नहीं है, लेकिन बच्चों को बलून्स वगैरह बनाकर ऐसे ही देता है। और कई पेरेंट्स होते हैं जो साइड पर उसने बॉक्स रखा उसमें पैसे डाल देते हैं, और कई पेरेंट्स होते हैं जो नहीं डालते वैसे ले कर चले जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं बलून्स को लेकर। बस उसके बाद हम लोग थोड़ी देर गाना सुनते रहे और फिर घर आ गए, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और आज हम लोगों ने डिनर के लिए बनाए हैं कटलेट्स, साथ में हम लोगों ने आज वाइट कढ़ाई बनाई थी, तो हम लोगों ने सोचा साथ में कटलेट्स बनाकर खा लेते हैं डिनर में। तो अभी तो डिनर में थोड़ा टाइम था, वैसे भी मैंने लंच और डिनर वाला मिक्स खाना खाया है, तो मैं रात को डिनर तो नहीं करूँगी, लेकिन मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा साथ में भी कटलेट्स खा लेती हूँ। तो बस मैं अभी सिर्फ अपने लिए फ्राई करने लगी थी, तो बाकी लोग बाद में फ्राई कर कर खा लेंगे। फिलहाल मेरा खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए तो फ्राई कर लूँ।
और ये बाकी के फ्रिज में चले जाएंगे। और मेरे कटलेट्स देखे बन गए यम्मी से, और साथ में मैं मीठी चटनी ली है। मैं केचप हम लोग कम ही खाते हैं, कभी कभार ये किसी चीज़ के साथ खाएं, मोस्टली हम लोग मीठी चटनी बना कर रखते हैं खुबानी की और रिमदी की, तो वही हम लोग खाते हैं, वरना केचप के साथ हमारा गला जल्दी ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर जो केचप मिलती है वो थोड़ी खटास में भी है, वो पाकिस्तान वाली नहीं मिलती, थोड़ी खटास वाली मिलती है, तो इस वजह से भी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं कि गला ख़राब हो जाएगा तो बीमार होंगे, दवाई लेने जानी पड़ेगी तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, इससे अच्छा है आप अवॉइड करें, तो इसलिए हम लोग ये बना कर रखते हैं। मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपनी टी और साथ में अपने कटलर, साथ में मैंने मूवी लगाई थी एक साथ, और बाहर का मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया हुआ है ना, मगरिब का टाइम हो गया है और इतना ज़बरदस्त बाहर का मौसम हुआ हुआ है, ठंडी हवा सी अंदर को आ रही है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बस फिर हम लोग इंजॉय करेंगे अपना टी टाइम। इब्राहिम के पापा जो है ना अभी गए हैं दोबारा शॉप पर, तो इब्राहिम को छोड़ के, तो इसको अब रोना आ रहा है, दरवाजे तक चेक करने गया है अपने पापा को कि मेरे पापा कहाँ गए हैं। अब इसने यहाँ पर बैठ के कहना मोबाइल यूज़ कर, ओए अल्लाह जी क्या हुआ मेरे बेबी को। और खाना चाय पीते पीते अचानक हमारे सामने वाली बिल्डिंग में इतना ज़्यादा शोर होने लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, वो तो मुझे बाद में पता चला कि स्पेन जो है ना वो यूरो कप जीत गया है और उसका जश्न मनाया जा रहा है। मैंने फ़ौरन टीवी लगाया, उसमें ये झलकें आ रही थी कि स्पेन जीत गया, इतना मज़ा आ रहा था ना देख कर सारा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।